एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी मैं आपको आज सुनाता हूं पेशेंट के बारे में। ये लड़का मेरे पास में आया और वो बोल रहा है कि मुझे बहुत सरदर्द कर रहा है, मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझे नर्वसनेस भी है, टेंशन भी है और मुझे जीने में मज़ा नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ बताओ, समझ में नहीं आ रहा है, लगता है कि मैं सुसाइड कर डालूँगा। मुझे बार बार सुशांत सिंह ख्याल में आता है, उसके विचार आ रहे हैं कि मैं भी वहाँ जैसा उसने किया वैसा ना करूँ। मेरे हुआ क्या? तो उसने कहानी बताई कि पिछले 2 साल से वो एक लड़की के प्यार में था। उसको पूछा हुआ क्या, क्या घटना हुई, क्यों ऐसा आपको लग रहा है? बोले पिछले 6 महीने से मुझे मेरे घर वालों ने बंद करके रखा हुआ था, घर में एक कमरे में पहरेदार बाहर बिठा के रख दिया था। क्यों, क्या हुआ? बोले एक लड़की के प्यार में मैं था, करीब करीब हम 2 साल से प्यार में थे और मुझे शादी उससे करनी थी, उसकी भी इच्छा थी, मगर वो अलग कास्ट की थी, उसके घर से विरोध था, मगर धीरे धीरे उसने उसके पिताजी को मना लिया और वो तैयार थी शादी करने के लिए, मगर ये लड़का जो था इसके घर के लोग तैयार नहीं थे। जब बात इनकी बहुत आगे बढ़ने लगी तो घर वालों ने एक दिन उसको पकड़ लिया, अंदर डाल लिया कमरे में, बाहर से ताला, अंदर रह जाओ, वहीं अंदर खाना पीना लेटरिन बाथरूम सब अंदर, बाहर निकलने का ही नहीं। उसको जेल जैसा कर दिया घर में एक, और घर किसी के साथ में बातचीत नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, पर जब तक उसकी शादी होंगी नहीं लड़की की तब तक तू अंदर। तो उसको 6 महीने लगे शादी को वो लड़की को, क्योंकि वो लड़की को फिर जब इसने बोल दिया कि अभी मतलब ये संपर्क में नहीं है लड़की के, बातचीत नहीं हो रही है, तो लड़की समझ गई कुछ तो भी गड़बड़ है और उसकी शादी उसके पिताजी ने और कहीं कर दिया। जब उसकी शादी हो गई तब इसको बाहर निकाला, अभी 15 दिन पहले। अभी हो रहा है कि मुझे बार बार उसकी याद आती है, मुझे बहुत सरदर्द होता है, कुछ जीने की इच्छा नहीं होती है। अभी वो दूसरे गांव में दी है शादी, उसकी वहाँ हुई है, तो जब अभी वापस आई थी अपने मायके, मुझे दिख गई थी तो मुझे बहुत ही अपसेट में हो गया, बहुत नर्वस हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो ऐसे इसमें उसको डिप्रेशन आ गया और डिप्रेशन से अभी ये हेडेक, बॉडी एक, फिर पेट में जलन, घबराहट कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई और मुझे जमा कर लेंगे, मुझे अभी और जेल कर देंगे क्या, घर के लोग क्या होगा आगे चल के, मतलब उसको ऐसा डर लगा हुआ, डर से भयभीत, डिप्रेस, नर्वस। और ऐसा लड़का मेरे पास में आया कि भाई मुझे जीना तो है मगर ऐसा लगता है कि मैं कभी सुसाइड तो ना कर लूँ, क्योंकि अभी मुझे ज़िंदगी में कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको काउंसलिंग किया, उसको बुलाया काउंसलिंग के लिए। मालूम पड़ा कि ये बहुत सेंसिटिव टाइप का लड़का है, पहले से बहुत सेंसिटिव, पहले से बहुत भावुक। एक बार मतलब प्यार किया तो बस अभी तो दिल से प्यार उसने वो लड़की के साथ में किया, ऐसा नहीं कि ऐसे टाइम पास कर रहा था। तो इस किस्म के जो लोग रहते हैं ना कि बहुत वो अपनी जान दे देते हैं, दिल दे देते हैं पूरा, बहुत सेंसिटिव रहते हैं, इमोशनली बहुत ही डिपेंडेंट रहते हैं, तो इनको फिर बाहर निकालने में वो तकलीफ होती है। जो लोग ऐसे रहते कि ठीक है हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऐसे लोगों को निकालना बहुत आसान हो जाता है। मगर जो लोग इतने डीप प्यार में जाते हैं तो वो ब्रेकअप होने के बाद में उनको निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो जब हमारे सीटिंग्स हुए, जब धीरे धीरे उसको मैंने बोला कि भाई रियलिटी देख क्या हो रहा है, तो रियलिटी ऐसी है कि अभी उसकी शादी हो गई है, वो बाहर दी हुई है, उसने कभी तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, उसने कभी तुमको पूछा नहीं क्या हो गया क्या नहीं, तो आपके पास में भी कोई मोबाइल नहीं है, आपको जेल कर दिया है सब लोगों ने घर के अंदर, अभी आप 15 दिन से छुटे हुए हैं जेल से, अभी आप उसको ही देखेंगे तो भी मुश्किल है। मतलब रियलिटी है कि अभी उसकी शादी हो चुकी है। रियलिटी से, वास्तवता से आपको देखना पड़ेगा कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि उसकी शादी हो चुकी है, अभी उसने आपसे संपर्क बाद में नहीं किया है, 6 महीने से आप जेल में थे, आपका संपर्क नहीं है। अभी आपको ये देखना है कि अभी भी कोशिश करना है कि नहीं वो वहाँ से डिवोर्स लेंगी, वहाँ से भाग के आएंगी, तुम्हारे साथ में आएंगी, तुम शादी करेंगे, तो भी दिखता नहीं है ऐसा। घर के लोग अभी भी खिलाफ है, उनको जरा भी कोई डाउट आ गया तो फिर से वो अंदर डाल देंगे आपको जेल में, घर के अंदर फिर और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो भी जो हो गया वो हो गया, अभी आप क्या कर सकते हो वो देखो, व्हाट इज़ पॉसिबल।
संभव क्या है अभी? अभी मुझे लगता नहीं कि ऐसा संभव है। अभी आपको संभव यही है कि अभी संभलना है, यहाँ से संभल के अभी अपनी लाइफ बनाना, अपना करियर बनाओ, बजाय कि अभी वो कैसी मिलेंगी जो मुझे दिखता नहीं है। और फिर क्या है कि आप अपना टाइम पास करेंगे, साल दो साल चार साल निकल जाएंगे जिंदगी के, और तो इसमें मजा नहीं है। ब्रेकअप हुआ है ये फैक्ट है, उसकी शादी हो गई ये फैक्ट है, उसके वो फैक्ट के साथ में जुड़े रहो, आगे का प्लान बनाओ। चार पांच सिटिंग में उसको बहुत अच्छा लगने लगा और बोले ठीक है आप जो बोल रहे हो मैं करने को तैयार हूँ, अभी मैं मेरी ज़िंदगी बनाऊँगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।